ओके जी, हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज क्रिस्टल लैटिस। आज के टॉपिक में बेसिकली जो काम हमने करना है वो ये है कि हम ये देखेंगे कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है और क्रिस्टल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और किस तरीके से उनको हम डिफरेंट शेप्स की बेसिस के ऊपर या ज्योमेट्रिकल शेप्स के बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है जी क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या है? वो कहता है जी कि आपके पास जितने भी कंपाउंड हैं या जितने भी कोई सॉलिड्स की अगर हम बात करते हैं, अगर हम एक क्रिस्टल की बात करते हैं, तो क्रिस्टल जो है वो किससे किससे मिलके बना हो सकता है? वो एटम्स से मिलके बना हो सकता है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या फिर आयंस। इन तीनों चीज़ों से मिलके ही आपका या तो क्रिस्टल बनता है या कोई एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल या आयंस। अब वो कहता क्या है? वो कहता है जी कि आपके जोन से क्रिस्टल के अंदर जोन से आपके एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस होते हैं वो एक पर्टिकुलर स्पेस के ऊपर मौजूद होते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट्स, एक खास पॉइंट्स के ऊपर उनकी लोकेशन जोन सी है वो फिक्स्ड होती है। दिस पोजिशन आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स। उनकी जो पोजिशन होती है उनको हम पॉइंट का नाम देते हैं जी, ये पॉइंट। अब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी मेरे पास एक क्यूब है, ये क्यूब है, तो ये क्यूब के जितने सारे पॉइंट्स हैं, ये वाले, ये तमाम जो उनसे पॉइंट्स मैं इस टाइम अभी आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, इन सब पॉइंट्स के ऊपर कोई ना कोई एटम या मॉलिक्यूल या आयन, जिसका भी वो क्रिस्टल है, वो यहाँ पर मौजूद होगा। तो दीज आर द पॉइंट्स जिनकी वो बात कर रहा है। अब इन पॉइंट्स को जो कह रहा है वो, उसका जो साइंटिफिक नाम है वो है जी लैटिस पॉइंट्स, या फिर हम उसको लैटिस साइट्स भी कहते हैं। तो ये जो उनसे पॉइंट जिनके ऊपर आपके एटम, मॉलिक्यूल या आयंस मौजूद होते हैं किसी भी शेप के अंदर, वो आपका जो है वो क्रिस्टल लैटिस और क्रिस्टल पॉइंट्स होते हैं। अब यही जो पॉइंट्स की अरेंजमेंट है, इसको अगर मैं थ्री डायमेंशन में बनाना शुरू कर दूं, इसके पीछे इसी तरह एक और क्यूब जो इसके साथ ही एडजेसेंट होगा वो होगा, और इसके साथ मतलब 3D में ये तीनों डायमेंशंस के अंदर ये मूव करता जाएगा, तो ये पूरी जो चीज़ हमारे पास बनेगी, पूरी एक अरे बनेगी, वो कौन सी होगी? उसको हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। उसका नाम होता है क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस इज़ एन अरे ऑफ पॉइंट्स। अरे, जब अरे का मतलब है कि ग्रुप ऑफ पॉइंट्स जो उनसे हैं, जब उसे रिप्रेजेंट करना शुरू कर दें क्रिस्टल को, तो वो क्या बन जाता है? वो आपके पास क्रिस्टल लैटिस बन जाती है। तो ये तो था जनरल क्रिस्टल लैटिस। इसमें दो तीन डेफिनेशन थी जो आपको याद होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है यूनिट सेल। यूनिट सेल एक बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है। वो ये कहता है जी कि अगर आपके पास कोई भी एक शेप है, जैसे हम कहते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी है या फॉर एग्जांपल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको मैं कट करता जाता हूँ, मेरे पास सिस्टम आएंगे, सिस्टम को कट करूँगा तो मेरे पास ऑर्गन्स आ जाएंगे, ऑर्गन से टिश्यूज़ और फिर टिश्यूज़ से सेल्स। तो ये जो सेल है ये बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बिल्डिंग ब्लॉक है। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आपको पता है कि सेल से मिलके बनती हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि कोई चीज़ दिखने में जैसी भी लगे, उसके अंदर मौजूद इन बिल्डिंग ब्लॉक उसका सेम होगा, सेल होगा। इसी तरह वो क्रिस्टल की बात करता है, वो कहता है जी कि आपका पूरा क्रिस्टल जो है उसके अंदर कोई एक चीज़ ऐसी होती है जो कि रिपीट होती है और पूरा यूनिट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है जी मेरे पास एक क्यूब है, ये एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर जो है ये मैंने बनाया, ये एक, अब इसके ऊपर हर कोने के ऊपर कोई ना कोई आपका एटम या आपके पास मॉलिक्यूल इन तमाम साइड्स के ऊपर मौजूद है। अब यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल की डेफिनेशन वो आपकी बुक में दे रहा है जी, द स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस का वो छोटे से छोटा पार्ट, वो चीज़ जो कि रिप्रेजेंटेटिव हो, जो कि इसके अंदर सारी करेक्टरिस्टिक्स मौजूद हों, लैटिस दैट हैज़ ऑल द करेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टल, वो छोटे से छोटा पार्ट जो कि पूरे क्रिस्टल के करेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा
वो क्या कहलाएगा, यूनिट सेल। मतलब क्या है कि एक जो यूनिट सेल होगा वो आपके क्रिस्टल की इसके अंदर सारी करेक्टरिस्टिक्स मौजूद होंगी। मकसद, अगर इस क्रिस्टल लैटिस या अगर इस क्रिस्टल के इस यूनिट सेल को जो कि क्यूब है, मैं चारों तरफ फैलाना शुरू कर दूं 3 डायमेंशन में, इस तरफ भी, इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो मेरे पास जो बड़ा यूनिट बन जाएगा वो पूरा बड़ा क्रिस्टल की शक्ल में आ जाएगा। अगर मेरे पास एक पत्थर के तौर पे नमक मौजूद है, क्रिस्टल मौजूद है, तो उसका यूनिट सेल जो होगा सारी करेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर मौजूद होंगी और वो यूनिट सेल ही रिपीट होके बड़ा सा पत्थर बना होगा। तो ये होता है जी आपके पास यूनिट सेल, जो कि एक ज्योमेट्रिकल फिगर होती है और वो रिपीट होती है जब, तो आपके पास बड़ा क्रिस्टल बन जाता है। अब यूनिट सेल के अंदर तमाम करेक्टरिस्टिक्स उसके जो उनसे हैं वो किसी भी शेप के या किसी भी क्रिस्टल के वो मौजूद होते हैं। हम इसी को ही देख लेते हैं। ये क्यूब है। ओके, अब इसके अंदर 3 साइड्स होती हैं किसी भी क्यूब के अंदर, ए, बी और सी। इसी तरह से 3 एंगल्स होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ये जो ए, बी और सी साइड्स हैं तीन, और जो 3 एंगल्स हैं अल्फा, बीटा और गामा, ये बेसिकली करेक्टरिस्टिक होते हैं किसी भी क्रिस्टल के। आपका जो क्रिस्टल है वो आपके करेक्टरिस्टिक्स इन 3 चीज़ों पे डिफाइन होंगे कि उसकी ए, बी और सी साइड्स की लेंथ कितनी है और उसका एंगल जो होते हैं अल्फा, बीटा और गामा वो कितने कितने हैं। तो नॉर्मली ये 6 पैरामीटर्स जो होते हैं यही चेंज होते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट क्रिस्टल के सिस्टम बन जाते हैं, डिफरेंट क्रिस्टल की क्लासिफिकेशन बन जाती है। आगे चल के जो हम पीछे भी पढ़ते आए हैं, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, वो सब के अंदर क्या होता है, इन्हीं की वैल्यूज जो होती हैं वो चेंज हो रही होती हैं, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे कुछ। उसकी डिटेल आगे आ रही है, वो हम देखेंगे, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो होती हैं 3 साइड्स होती हैं, ए, बी और सी, और 3 ही आपके पास एंगल्स होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ये आपने याद रखना है कि जो आपका अल्फा है, अल्फा फॉर ए, तो अल्फा जो है वो एंगल होगा साइड बी और सी के दरमियान। जो अल्फा है वो आपके पास साइड बी और सी जो कि उसके ऑपोजिट हैं, अल्फा इज फॉर ए ना बेसिकली, तो ए का एंगल है ये, तो ये बी और सी की साइड के दरमियान जो एंगल बन रहा होगा वो अल्फा कहलाएगा। इसी तरह बीटा जो है ये ए और सी के दरमियान बनने वाला एंगल होगा, और गामा जो है आपके पास ये ए और बी साइड्स के दरमियान बनने वाला एंगल आपके पास होगा। तो ये टिपिकल जो सी है आपके पास वो मौजूद हैं, डिफरेंट जो सी हैं आपके पास एंगल्स। और ए, बी और सी क्या है, ए, बी और सी साइड्स हैं जिनको हम किसी भी एक्सिस पे ले सकते हैं, एक्स, वाई और जेड। ये आपके ऊपर है कि आप ए को एक्स पे लेना चाहते हैं, वाई पे लेना चाहते हैं या जेड पे लेना चाहते हैं, किसी भी एक्सिस पे ले सकते हैं। तो ये 3 साइड्स होती हैं। अब हम इन्हीं साइड्स को और पैरामीटर्स को देखते हुए अपने क्लासिफिकेशन की तरफ जाएंगे कि हम क्रिस्टल को इन बेसिस के ऊपर या उनकी इन शेप्स के ऊपर जो है हम कैसे कैसे जो है वो कर सकते हैं डिवाइड। तो अब आती है आगे हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स नहीं कहना चाहिए, बेसिकली क्रिस्टल्स कहना चाहिए हमें, कि क्रिस्टल की जो सी है वो कौन सी क्लासिफिकेशन होती है ज्योमेट्रिकली, उसकी ज्योमेट्रिक शेप को। सो सबसे पहला जो सिस्टम है दैट इज क्यूबिक सिस्टम। अब क्यूबिक सिस्टम में क्या होता है, क्यूब अगर आप सबने देखा ही है, क्यूब में क्या होता है कि एक स्केयर जो स्केयर साइड जो सी है, मैंने कोशिश की थी कि ये स्केयर ही बने, थोड़ा सा डिफरेंट है। बहरहाल ये 2 स्केयर्स का जब क्यूब बनता है तो 3 डायमेंशनल में, तो वो क्या होता है, वो आपके पास एक क्यूब बन जाता है। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो ये जो सी है आपके पास ए है फॉर एग्जांपल, और ये साइड अगर बी है और ये सी है, तो इसके अंदर ए
और बी और सी तीनों की साइड इक्वल होंगी क्योंकि ये स्क्वायर होता है, ये तो सीधी बात हो गई। और इसके अंदर अल्फा और बीटा और गामा भी बराबर होते हैं, और तीनों किसके बराबर होते हैं, 90 डिग्री के। ये सब देखें अगर आप एंगल, तो ये 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री, और ये एंगल भी 90 डिग्री। तो ये हो गया आपका पहला क्यूबिक सिस्टम जिसके अंदर अल्फा बीटा और गामा भी 90 डिग्री होते हैं और ए बी और सी भी तीनों बराबर होते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स भी आपके बुक में गिवन हैं, फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर, NaCl और डायमंड एट्सेट्रा। ये एग्जांपल्स भी आपको कम से कम याद होनी चाहिए, अगर एक दो नंबर के क्वेश्चन में आ जाए कि क्यूबिक सिस्टम क्या होता है तो आप ये डायग्राम, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक लिख के एक दो एग्जांपल्स देने के काबिल भी होने चाहिए। तो ये पहला सिस्टम था जिसको हम क्या कहते हैं, क्यूबिक सिस्टम। नंबर टू इज टेट्रागोनल। अब टेट्रागोनल में क्या होता है, इसके अंदर आपके पास ये कुछ इस तरह की चीज है। अब इसमें और क्यूब में फर्क क्या है, क्यूब के अंदर क्या था कि तीनों की तीनों साइड जो हैं वो डिफरेंट होती थी। इसमें क्या होता है कि ए और बी तो आपस में बराबर होते हैं लेकिन ये दोनों सी के बराबर नहीं होते, कोई एक साइड। ए बी और सी तो हम किसी भी डायमेंशन में ले सकते हैं ना, तो कोई एक साइड जो सी है वो बाकी दो के बराबर नहीं होती लेकिन बाकी दो आपस में बराबर होती हैं। लेकिन अगर आप इनके एंगल्स को देखेंगे तो ये तमाम के तमाम राइट एंगल्स हैं। तो अल्फा बीटा एंड गैमा जोन से हैं वो 90 डिग्री ही के रहते हैं, लेकिन ए बी और सी में जोन सा है वो डिफरेंस आ जाता है। इसकी एग्जांपल होती है आपके पास SnO2, मैंगनीज ऑक्साइड, ये आपके बुक में भी मेंशन है, ये आपको याद होनी चाहिए। तो ये दूसरा सिस्टम है टेट्रागोनल जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं और एक साइड अनइक्वल होती है, जबकि एंगल जोन से हैं वो 90 ही रहते हैं। अब हम चलते हैं अपने थर्ड सिस्टम की तरफ। थर्ड सिस्टम है आपके पास ऑर्थोरोम्बिक। या जिसको हम आम जुबान में रोम्बिक भी कहते हैं, रोम्बिक सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके पास ये कुछ इस तरह की शक्ल बनती है अगर आप इसको देखें तो। इसमें क्या होता है, ए और बी और सी तीनों ही आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं होती, तीनों लेंथ जो सी हैं वो छोटी या बड़ी हो सकती हैं, जबकि एंगल जो से हैं अभी भी सेम हैं, एंगल जो से हैं इनके वो 90 डिग्री ही रहते हैं। तो ये आपके पास जो शेप है इसको हम ऑर्थोरोम्बिक कहते हैं, जिसमें साइड जो सी हैं वो तो अनइक्वल होती हैं लेकिन एंगल जो से हैं वो स्टिल 90 होते हैं। इसकी एग्जांपल आप पढ़ के आए हुए हैं, रोम्बिक सल्फर होता है, ये हमने ट्रांजिशन टेम्परेचर में पढ़ा था। इसी के अलावा आयोडीन और बेरियम सल्फेट वगैरह इसकी टिपिकल एग्जांपल्स हैं, जिन ऑर्थोरोम्बिक, जिनके अंदर तीनों साइड जो होती हैं वो अनइक्वल हैं जबकि तीनों एंगल्स इक्वल हैं। नंबर फोर पे आता है आपके पास सिस्टम मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या होता है, इसकी अगर आप शक्ल देखें तो ये कुछ इस तरह की बनेगी। इसमें क्या होता है कि ए और बी और सी तो अनइक्वल होते ही हैं लेकिन साथ ही साथ में जो एक एंगल है वो 90 के बराबर नहीं होता। शुरू से हम देख रहे थे कि सबसे पहले क्या था, सारी की सारी क्यूबिक के अंदर साइड्स भी इक्वल और एंगल भी इक्वल। उसके बाद वाली हमने देखी टेट्रागोनल जिसमें एक साइड डिफरेंट होती थी और एंगल इक्वल होते थे। उसके बाद वाली साइड हमने देखी जिसमें एंगल तो बराबर थे लेकिन तीनों साइड्स बराबर नहीं थी। अब मोनोक्लिनिक में क्या है, तीनों साइड्स बराबर नहीं है और एक एंगल भी जो सा है वो 90 के बराबर नहीं है। इसकी टिपिकल एग्जांपल है आपके पास शुगर।
ये आपको याद होनी चाहिए। इसी तरह सल्फर है, सल्फर हमने पढ़ा हुआ है कि मोनोक्लिनिक और रोम्बस रोम्बिक दोनों तरह का जो है वो हो सकता है। तो ये चौथा सिस्टम था जिसका नाम है मोनोक्लिनिक। पांचवा है जी हेक्सागोनल। हेक्सागोनल, गोनल जब भी चीज़ आती है तो ये आपको बताती है नंबर ऑफ साइड्स, और हेक्सा फोर सिक्स। आप लोगों ने अमेरिकन पेंटागन का नाम सुना होगा जिसमें अटैक भी हुआ था हमारे जहाज़ वाला पेंटागन। पेंटागन की अगर आप तो बिल्डिंग की शक्ल देखें तो उसके फाइव जो हैं साइड हैं, तो इस वजह से उसका नाम पेंटागन है। पेंटा फॉर फाइव एंड गॉन फॉर साइड्स। इसी तरह हेक्सागोनल का मतलब है कि ये वो शेप होगी जिसके अंदर सिक्स साइड्स होंगी। तो इसको अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरह की चीज़ बनेगी, इस तरह की, ये हेक्सागोन है। अब हेक्सागोनल के अंदर करेक्टरिस्टिक्स की तरफ अगर हम जाते हैं तो हेक्सागोनल के अंदर ए और बी साइड्स तो बराबर होती हैं, जैसे ये दोनों साइड्स हैं, लेकिन जो आपके पास साइड ही है वो इनके बराबर नहीं होती। और इनके अंदर दो एंगल तो सेम होते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 90, लेकिन जो गैमा है दैट इज़ इक्वल टू 120 डिग्री। ये कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है, ये 120 डिग्री का होता है, जिसकी वजह से हेक्सागोनल शेप जो है वो एग्जिस्ट करती है। इसकी टिपिकल एग्जांपल भी एक आपको याद होनी चाहिए, दैट इज़ ग्रेफाइट। उसके अलावा आपके पास जिंक ऑक्साइड है और खाली जिंक और आइस भी इसकी टिपिकल एग्जाम्पल में से एक है। आइस का स्ट्रक्चर भी हेक्सागोनल होता है समटाइम्स। तो ये आपके पास पांचवा सिस्टम था हमारा हेक्सागोनल, जिसमें छह साइड्स होती हैं और एक एंगल जो है 120 डिग्री का होता है। नंबर सिक्स है जी रोम्बोहेड्रल। या इसको हम ट्राइगोनल भी कहते हैं। इसकी शेप कुछ इस तरह की है, जैसी अब मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इसके अंदर क्या होता है कि ए बी और सी तो बराबर होते हैं आपस में, लेकिन एंगल जो सा है वो कोई भी बराबर नहीं होता। कोई भी बराबर ना होने का मतलब क्या है कि 90 के बराबर कोई नहीं होता। तो ये ट्राइगोनल सिस्टम है जिसके अंदर तीनों साइड्स की लेंथ तो सेम है, लेकिन कोई भी एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, वो इस तरह से तिरछा होता है, ट्राइगोनल होता है। तो ये छठवां सिस्टम था, और इसकी एग्जांपल्स में आपके पास आ जाता है एलुमिना और बिस्मथ, और एक और टिपिकल एग्जाम्पल सोडियम नाइट्रेट या पोटाशियम नाइट्रेट भी हो सकता है। तो ये जो सा है रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल जो है, ये इसके अंदर क्या है, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, ए एंड बी एंड सी आर ऑल इक्वल बट अल्फा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा विच इज़ आल्सो नॉट इक्वल टू गैमा। मतलब क्या है कि तीनों 90 के इक्वल नहीं होंगे। अब आखिरी सिस्टम जो आता है हमारे पास वो आता है जी नंबर सेवन। सेवन सिस्टम है, ये भी आपको याद होना चाहिए, इनके नाम भी याद होने चाहिए, और ये आखिरी है हमारे पास ट्राइक्लिनिक। अब ये ट्राइक्लिनिक क्या है? ट्राइक्लिनिक में ये होता है कि आपके पास ना तो कोई साइड इक्वल होती है और ना ही कोई एंगल इक्वल होता है। जैसे सबसे पहले क्यूबिक थी ना, तो उसमें क्या था कि तमाम साइड्स इक्वल थी और तमाम एंगल्स 90 के इक्वल थे। इसमें ना तो कोई साइड इक्वल है एक दूसरे के और ना ही कोई एंगल जो है वो 90 के बराबर है। इसकी एग्जांपल जो सी है ये K2Cr2O7 पोटेशियम क्रोमेट, ये आपको याद होनी चाहिए। या फिर जो नीला होता है जिसको हम कॉपर सल्फेट कहते हैं, वो भी क्या है, ट्राइक्लिनिक होता है। तो आपको इनके नाम, ये बेसिक करेक्टरिस्टिक्स और कम से कम एक एग्जांपल जो सी है वो लाजमी याद होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली इसमें से जो है बड़ा क्वेश्चन तो नहीं लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर बन जाता है कि ट्राइक्लिनिक क्या होता है, रोम्बोहेड्रल क्या होता है, या फिर वो नाम पूछ लेता है कि व्हाट आर द सेवन सिस्टम्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, या क्रिस्टल सिस्टम के नाम लिख दें तो फिर आपको ये सारे नाम टेट्रागोनल, हेक्सागोनल,
टेट्राहेड्रल, मोनोक्लिनिक, क्यूबिक, ट्राइक्लिनिक, ये सारे नाम जो हैं ये आपके पास अजबर होने चाहिए आपको उंगलियों पे। तो ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम, जिसमें हमने सबसे पहले क्रिस्टल लैटिस को देखा। क्रिस्टल लैटिस के बाद इसको अगर मैं आज का टॉपिक रिव्यू करूं तो वो ये है कि हमने क्रिस्टल लैटिस को देखा। क्रिस्टल लैटिस को देखने के बाद हमने यूनिट सेल को समझा, और यूनिट सेल के बाद हमने ये देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम जो है वो हमने देखी। क्रिस्टल लैटिस पहला टॉपिक था हमारा, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरह पॉइंट्स जो हैं रिप्रेजेंट करते हैं, और वो पॉइंट्स की जब अरे बन जाती है तो वो क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। उसके बाद हमने देखा यूनिट सेल, ये छोटे से छोटा वो पार्ट होता है जो कि किसी भी करेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहा होता है क्रिस्टल के, और यही इसी यूनिट सेल को अगर मैं हम 3 डायमेंशन में स्प्रेड कर दें तो आपके पास पूरा का पूरा क्रिस्टल जो है वो बन जाता है। उसके बाद हमने उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ी, जिसमें हमने डिफरेंट जोन से हैं क्रिस्टल सिस्टम्स पढ़े, जो कि कितने थे, 7, जिनके नेम्स और उनकी डिटेल हमने पढ़ी। बेसिकली तीन चीज़ें हमने देखी हैं कि ये तीन साइड्स होती हैं और आपके पास तीन एंगल्स होते हैं, ये बराबर हो तो क्या बनेगा, ये बराबर ना हो तो क्या बनेगा, एक बराबर हो, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर अबाउट क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल एंड इट्स क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है आगे बहुत आसान है, उसमें हम सॉलिड्स की जो क्लासिफिकेशन डिफरेंट एक और नए तरीके से पढ़ेंगे, तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे।